सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार की आज दिनांक 20/4/2023 की प्रमुख खबरें। दबी जुबा की दास्ता पीडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर के व्यवहारगिरी पहाड़ी क्षेत्र में अगलगी की घटना का हवाई सर्वेक्षण के उपरांत समीक्षा बैठक में कहा कि अगलगी की घटना काफी दुखद है। इस प्रकार की अगलगी की घटना यहाँ हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। आग लगने की जानकारी मिलने पर मुझे काफी तकलीफ हुई है। राजगीर देश ही नहीं दुनिया का पौराणिक स्थल है। यहाँ पर विकास के अनेक कार्य कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के पर्वत आयुर्वेदिक दवाइयां एवं जड़ी बूटियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि आगलगी का क्या कारण है, इसकी वास्तविकता का पता लगाएं। यहाँ के पर्वत के ऊपर विभिन्न धर्मों का मंदिर और कई तरह के लोग भी रहते हैं। ऊपर रहने वाले पर्यटकों पर विशेष नजर रखें, इसके लिए यहाँ तैनात लोगों को अलर्ट रखें। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगलगी से जो क्षति पहुंची है उसे ठीक कराने की दिशा में यथाशीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस प्रकार की घटना दोबारा घटित न हो इसकी विशेष रूप से निगरानी रखें। आगलगी की घटना पर रोक लगाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएं। आवश्यकता अनुसार यदि कर्मियों की नियुक्ति करनी हो या सामग्री खरीद की जरूरत हो तत्काल इसका प्रस्ताव भेजकर पुख्ता तैयारी रखें एवं हर जरूरी कदम उठाएं। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने भीषण गर्मी के मद्देनजर प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर किए गए ठंडे पानी की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कुल 109 जगहों पर प्याऊ की व्यवस्था की गई है। अररिया के जिलाधिकारी श्रीमती इनायत खान ने इंडोर स्टेडियम परिसर स्थित ईवीएम वेयर हाउस का त्रैमासिक आंतरिक निरीक्षण किया। उन्होंने ईवीएम के रखरखाव एवं सुरक्षा को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सारण के जिलाधिकारी श्री अमन समीर की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक हुई। उन्होंने स्वच्छता से संबंधित विभिन्न योजनाओं का समय समय समर्थतापूर्वक संचालन के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बांका के जिलाधिकारी श्री अंशुल कुमार की अध्यक्षता में ईद उल फितर को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। उन्होंने शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की। पूर्णिया के जिलाधिकारी श्री कुंदन कुमार ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने योजनाओं को त्वरित एवं प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। जहानाबाद के जिलाधिकारी श्री रिचि पांडे की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट निर्माण, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, प्लास्टिक प्रसंस्करण स्थापना एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।